Hello students, welcome to Vedu. I am your SST mentor and in this video we are going to start second part of geography's chapter number 6 manufacturing industries. So sabse pehle start karte hain agro based industries se. Now agro based industries mein hum dekhenge sabse pehle cotton, jute, silk, woolen textiles, sugar and edible oil etc. industries are based on agricultural raw material. तो कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो किसके अंदर आती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को. द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ द टोटल आउटपुट. मीनिंग वॉट कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो इंडियाज के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करती है और वो टोटल आउटपुट कितना देती है? अप्रोक्सीमेटली 14% का. इट एनकम्पासेस वेरियस सेक्टर्स सच एज कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल्स. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बाकी सेक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, वुलन है, जूट है, सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल. अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ये एक मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का. इट डायरेक्टली एम्प्लॉइंग अराउंड 35 मिलियन पीपल और ये 35 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है. दिस मेक इट द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. और इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन जाती है आफ्टर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के बाद अगर ज़्यादा कहीं पर एम्प्लॉयमेंट आपको दिखेगी तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में दिखेगी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज फॉरन एक्सचेंज अर्निंग. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के फॉरन एक्सचेंज अर्निंग में भी हेल्प करती है और अप्रोक्सीमेटली 24.6% जो कंट्री का फॉरन एक्सचेंज है वो आता है एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट से. द इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज अराउंड 4%. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इंडिया के GDP में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 4% का है. दिस हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस इन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्री की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से भी हो रही है. द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज नोन फॉर इट्स सेल्फ रिलायंस एंड कम्प्लीट वैल्यू चेन. जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उसके सेल्फ रिलायंस एंड कम्प्लीट वैल्यू चेन के लिए जानी जाती है. It has the capability to produce a wide range of textiles, starting from the raw materials like cotton, silk, jute, to the highest value added products such as garments, home textiles and technical textiles. तो जो capability है textile industries में वो इस तरह से है कि वो raw materials, silk, jute, cotton, इस तरह के raw materials से एक highest value added product बना सकते हैं, जैसे कि garments, home textiles, technical textiles. अब वैल्यू एडिशन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो आप इमेज में देख सकते हो किस तरह से है, शो किया है कि सबसे पहले जो है रॉ फाइबर रहता है, रॉ फाइबर में से फाइबर प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसे स्पिनिंग किया जाता है और उससे यार्न बनाते हैं. देन स्पिनिंग होने के बाद वेविंग, नीटिंग किया जाता है जिससे फैब्रिक बनता है और उसी फैब्रिक को जब डाइंग एंड फिनिशिंग हो जाए तो गारमेंट्स बनते हैं और इस तरह से गारमेंट्स का फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है. सो आई होप आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में समझ आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स की तरफ. सो एंशियंट टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स. दीज ट्रेडिशनल मेथड्स वर प्रीवेलेंट अंटिल द 18th सेंचुरी. तो अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता था? हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम को यूज करके, जैसे अलग अलग हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स का यूज करते थे. और ये जो ट्रेडिशन है वो 18th सेंचुरी तक ऐसे ही चला आ रहा था. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज फेस सेटबैक ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फ्रॉम मिल मेड क्लोथ्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. और हमने जैसे कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा कि जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थे उन्होंने एक सेटबैक फेस किया क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था मिल मेड क्लोथ से जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जा रहे थे. और लोग जो है वो मिल मेड प्रोडक्ट जो थे, जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स थे,
उसे ही यूज कर रहे थे. दे कुडंट कम्पीट विद द मास प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स विच अफेक्टेड देयर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी. और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो मास प्रोड्यूस क्लोथ से कम्पीट नहीं कर सके और इसीलिए उनकी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी पर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1852. तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी इंडिया में वो कब इस्टेब्लिश हुई? मुंबई में 1854 में. एंड दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री. और ये जो मुंबई में सक्सेसफुली टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुई इससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई इंडिया में. ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स फॉट इन यूरोप, इंडिया बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज डिमांड फॉर क्लोथ्स इन यूके. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था यूरोप में, तो उस टाइम पे इंडिया जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी उन्होंने एक्सपीरियंस किया जो उनके क्लोथ्स है, उनके बनाए हुए इंडियन इंडस्ट्रीज में जो बनाए हुए क्लोथ्स है उनकी डिमांड बढ़ गई थी यूके में. दिस बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू मीट द डिमांड. और इसलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो है डेवलपमेंट हुआ क्योंकि डिमांड्स इंक्रीज हुए और इसी तरह इसका डेवलपमेंट भी हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इंडिया में. एज ऑफ नवंबर 30, 2011 देयर वाज 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर्स टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया. तो अगर हम 30 नवंबर 2011 तक का डाटा देखें तो हमें पता चलता है कि इंडिया में ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल मिलकर पूरे 1946 मिल्स हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ दिस मिल्स वर इन द प्राइवेट सेक्टर और जो बाकी के बच्चे हैं वो पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं. एडिशनली बहुत से ऐसे थाउजेंड ऑफ फैक्ट्रीज, स्मॉल फैक्ट्रीज है जहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स है. देन इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोविंग रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. तो अर्ली ईयर्स में स्टार्टिंग के पीरियड में क्या होता था, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश किए जाते थे जहाँ पर कॉटन ज़्यादा ग्रो होता है, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात. फैक्टर्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट एक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लेबर अवेलेबिलिटी एंड सुटेबल क्लाइमेट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस लोकलाइजेशन. और इस एरिया में आपको रॉ कॉटन जो है वो इजीली अवेलेबल होगा, मार्केट एक्सेस भी था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी, लेबर अवेलेबल थे. इन सारे रीजंस की वजह से महाराष्ट्र एंड गुजरात को चुना गया फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया has close links with agriculture and provide livelihood to farmers, cotton ball plucker and workers engaged in various stages of textile production as ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing. तो अब ये जो cotton textile industry जो है इंडिया में